के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बीजेपी के यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी जय प्रकाश नड्डा ने कहा, यूपी में निकालेंगे 74 सीटें, हम तैयारियों का तैयार कर रहे हैं खाका, नहीं है ये एक दो दिन की एक्सरसाइज। बेलीपार थाना क्षेत्र के अर्दिया गांव के पास मिला अधेड़ का शव, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, मामले की जांच कराकर दोषियों पर होगी कार्रवाई। जिला अधिवक्ता सभागार में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, अधिवक्ताओं को ईवीएम के साथ वीवीपैट के प्रयोग की दी गई जानकारी, मतदान के लिए दिलाया गया शपथ। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं यूपी चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के मंथन के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के जीत के लिए दिया गुरुमंत्र। तकनीकी गड़बड़ी के चलते कौवाबाग अंडरपास का काम कराया गया बंद, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, गड़बड़ी को ठीक कराकर मई तक पूरा कराया जाएगा कार्य। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलेट संबंधित जानकारी देने संबंधित बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी ने मनाया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष, कहा पाश्चात्य सभ्यता को जागृत करने के लिए मनाया जा रहा है हिंदू नववर्ष। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, कहा 9 अप्रैल तक मतदेय स्थलों पर उपलब्ध कराएं सभी मूलभूत सुविधाएं, लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कचहरी क्लब के 9 निर्वाचित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिलाया शपथ, कहा जिम्मेदारियों का कुशलता से करें निर्वहन। नंदानगर अंडरपास बनकर हुआ तैयार, जल्द ही औपचारिक घोषणा होने पर शुरू होगा वाहनों का आवागमन, महानगर से एयरपोर्ट की तरफ जाने और आने वाले के लिए राहत भरी खबर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित मिशन 9 भारत निर्माण के तहत सामाजिक कुरीतियों और जागरूकता के लिए कलाकारों ने दीवार पर दिया संदेश। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के संयुक्त मोर्चा ने पुष्प अर्पित कर मनाया भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 111वीं जयंती, व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश।